ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं योग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अष्टांग योग। अर्थात योग के कितने प्रकार हैं, योग के कितने भेद हैं, उसे हम विस्तार रूप से आज हम समझेंगे। अष्टांग योग, योग का है, योग के प्रकार। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे छात्र नौजवान भी आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि गुरुजी आप हमें ध्यान करना सिखा दीजिए, ध्यान कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है। वे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि योग क्या है, ध्यान क्या है, उन्हें हमें विस्तार पूर्वक बताना पड़ता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज उन्हीं को लेकर के विषय आगाया हूँ कि ध्यान कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक लंबी कड़ी है, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को चढ़ते हुए हम कैसे ध्यान के मार्ग को अपना सकते हैं, उसके लिए अष्टांग योग की एक प्रक्रिया है, जिसमें योग के 8 प्रकार हैं। मैं उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। ये आप देख रहे हैं अष्टांग योग, योग के प्रकार, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्रमशः फिर यहां से ये क्रमशः एक के बाद एक जब सीढ़ी को चढ़ते हैं तब जाकर के हम टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। तो ध्यान आ रहा है 7वें नंबर पर। ज्यादातर लोगों को ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान बचपन से हम सुनते आ रहे हैं शब्द को, लेकिन ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने की प्रक्रियाएं क्या है, उसके लिए आपको अष्टांग योग को बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर एक नंबर पे आप यम है, इसके 5 प्रकार हैं। दूसरा है नियम, इसके भी 5 प्रकार के भेद हैं। मैं यम और नियम के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है। तो महर्षि पतंजलि अपने पुस्तक योग दर्शन में उन्होंने योग की परिभाषा को बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना, रोकना ही योग है। चित्त क्या है, मन क्या है, वृत्तियां क्या है, इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना, यानी चित्त की वृत्तियों को फैलने से, बिखरने से रोकने की प्रक्रिया का नाम ही है योग। अब ये चित्त को समझते हैं, मान लीजिए कोई तालाब है, उस तालाब का जल शांत है, वो पानी साफ सुथरा रहता है, उसमें हम कंकड़ बार बार फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उसमें बार बार लहरें उत्पन्न होती हैं, वो पानी गंदा हो जाता है लहर उत्पन्न होने से। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विषयानुसार इसमें वृत्तियां उठती रहती हैं और उन वृत्तियों के कारण हमारा मन गंदा हो जाता है, इसलिए
अपने मन को, अपने चित्त को वृत्तियों के यानी लहरों को उठने से रोकना और उसे बिखरने से रोकना, ये हमारा दायित्व और कर्तव्य है, तब जाकर के योग की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आइए आपको सीधे दिए चलते हैं, यम के पांच प्रकार हैं, इसके पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। अब देखिए यम कितना छोटा, इसके पांच प्रकार हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यदि इन पांचों को बढ़िया से समझा जाए, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और अपरिग्रह क्या है। सत्य कह रहा है हमेशा सत्य का आचरण करिए, सत्य बोलिए, सत्य को धारण करिए, आप हमेशा सदाचारी रहिए, तब जाकर के ये सत्य हमारे जीवन में अवतरित होगा, उतरेगा और वो हमारे आचरण में, व्यवहार में दिखेगा। तो सत्य का आचरण करना सीखना है। फिर अहिंसा, अहिंसा का मतलब हुआ मन और कर्मों से, अपने विचार से, व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा को परिभाषित करता है। यदि हम किसी को मानसिक रूप से, किसी को शारीरिक रूप से अपने व्यवहारों के द्वारा किसी को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो हिंसा माना जाता है। इसलिए अपने मन, विचारों और कर्मों के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाएं, ये अहिंसा की परिभाषा को परिभाषित करता है। अहिंसा के मार्ग को अपना करके आगे बढ़ना होगा। तीसरा है अस्तेय, ये कह रहा है कि चोरी नहीं करें। यदि हमारा कोई वस्तु नहीं है तो उस वस्तु को हमें लेने का विचार नहीं रखना है, उसे प्राप्त करने का विचार भी नहीं रखना है, उसके बारे में, लेने के बारे में सोचना भी ये चोरी कहलाता है। इसे ये सब पाप कर्म में आते हैं, इसलिए हमेशा चोरी से बचना चाहिए और दूसरों के सामान को, यानी जो हमारे द्वारा मेहनत करके, परिश्रम के द्वारा जो प्राप्त नहीं किया गया है, उसे हम लेने का प्रयास ना करें। चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ईश्वर, उस दिव्य परमात्मा के आचरण को अपने जीवन में उतारना, यानी परमात्मा क्या है, वो सत्य है, परमात्मा हमेशा उज्जवल है, परमात्मा नित्य है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, और इसलिए उसके आचरण को यानी ब्रह्म यानी परमात्मा के प्रति किस प्रकार हम अपने श्रद्धा को बनाए रखें और उसके प्रति अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने कर्मों को समर्पित करके जीने का प्रयास, यानी जो कुछ भी मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, वो ईश्वर के प्रति निमित हो रहा है, ईश्वर को रिप्रेजेंट करते हुए ईश्वर के लिए ही मैं कार्य करूं, ये है ब्रह्मचर्य। साथ ही साथ अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, हमारे इंद्रियां, इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं और वो इंद्रियां अपने अपने विषयों के तरफ भागती हैं, और यदि आप विषयों के, इंद्रिय अपने विषयों के मार्ग पर भागना शुरू कर दें तो हमारा मन विचलित हो जाता है, मन भागने लगता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है, भटकने लगता है। इसलिए मन को रोक करके, मन को अपने वश में करते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए आचरण को अपनाना, यह है ब्रह्मचर्य। पांचवा है अपरिग्रह, ये कह रहा है आप किसी चीज का संचय ना करें, बहुत ज्यादा धन को इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा यदि आप किसी चीज को अपने पास इकट्ठा कर रहे, कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपरिग्रह की श्रेणी में आता है। यानी हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता को अपने पास रखिए और बाकी को दूसरों की सेवा में अर्पित करते रहिए, दूसरों की सेवा में समर्पित करते रहिए। यानी अपरिग्रह कह रहा है कि खाइए पीजिए और उसको बोझ, गठरी बांध करके लेकर चलने का प्रयास ना करिए। इसे आप
समझने का प्रयास करिए, यानी जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो हम कमाते हैं, उसे आप अपने उपयोग में लाइए, उसका सदुपयोग करिए, और बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखने से कोई विशेष लाभ जीवन में नहीं है। तो आज मैं आपको अष्टांग योग के इस आठों प्रकार के जो विषय रहे, उनमें पहला जो यम है, यम के पांच जो भेद हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको कैसे अपने जीवन में अपना करके आप योग के मार्ग पर कैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर जा सकते हैं, और अपने अंदर सात्विक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को जगा करके अपने को सूर्य की तरफ प्रकाशित, अपने को चंद्रमा की तरफ शीतल बना करके, और समुद्र की तरह अपने आप को विराट बना करके, आकाश की तरह अपने आप को विराट बना करके, अपने जीवन को कैसे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, आप इस मार्ग को अपना करके आगे बढ़ सकते हैं।